So Sumedh, welcome to Times of India. Thank you so much. And how are you? I'm good. I'm absolutely amazing. How are you? I'm good. Thank you. So how does it feel, you know, show itne time tak chalta aa raha hai and people still love it and still enjoy watching it. Chahe wo Radha Krishna ki love story ho or this new, chapter which is going to unfold. So what do you want to say? I think so. It was never imagined by us कि ये सब हो भी सकता है, you know, हम इतना आगे तक हमारा शो चल भी सकता है. मैं तो मान के नहीं चला था. थोड़ी अनसर्टेनिटी थी कि मैं कर भी पाऊंगा, चल भी पाएगा, लोग पसंद कर भी पाएंगे या नहीं. और इसलिए मैं और 100% और थोड़ा ऐसा करके पुश करता गया. बट यस, आज भी लगता है कि वो सब जर्नी वर्थ थी. हर एक बार खुद को पुश करना वर्थ था एंड इट ऑल वर्क्ड प्रीटी फाइन एंड पीपल लव्ड इट. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एंड आई एम हैप्पी. आई एम ग्रेटफुल टू देम फॉर यू नो फॉर देम सपोर्टिंग अस इन दिस वे. एंड यस, कोशिश करते रहेंगे हम भी कि ऐसे ही करते रहें आगे बढ़े. राइट. एंड यू नो, इतनी कम उम्र में इतना मैच्योर कैरेक्टर करना जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है एंड यू नो महाभारत या कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण के लाइफ को पता करना, उनकी जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं अपनी यू नो लाइफ में या जिन लोगों को उन्होंने टच किया है, ये सब आप कैसे कर पाए हैं अब तक? पता नहीं, सच में पता नहीं मुझे कैसे कर पाऊँ. बट हाँ, कोशिश की हमेशा. आई थिंक सो दैट श्री कृष्ण का जो किरदार है उसमें जो सीख मिलती है हर एक इंसान को, वो सीख मिलनी चाहिए. यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न ऑल ऑफ दोस थिंग्स. डेफिनेटली मैं ग्रास्प करके अपनी लाइफ में 100% नहीं ला पाता हूँ, बट फिर भी कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट समझ के उस राह पे चलने की कोशिश तो कर पाऊँ. Because trying is the first step, you know. Right. And you understand a little bit of things in a more sorted way. You understand things in a very peaceful way. And बहुत जरूरी है. मुझे अच्छा लगता गया, मैं try करता गया कि और सीखूं और समझूं. It went pretty well. Hmm. And do you have to read books and you know connect उनके बारे में और जानने की कोशिश की आपने script के अलावा? हाँ हाँ, शुरुआत में मेरे पास बहुत टाइम था शो शुरू होने से पहले. तो मैंने थोड़ा पढ़ा. मैंने सबके पोर्ट्रेयल देखे जिन्होंने श्री कृष्ण का किरदार प्ले किया. सो वो सब चीज़ें मैंने रिसर्च की, किसने क्या किया है, क्या डिफरेंस है हर एक के पोर्ट्रेयल में, मेरे इसमें मैं क्या डालना चाहता हूँ. एंड जो छोटे एक होता ना कि थॉट प्रोसीजर समझ पाना कि कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ डेफिनेटली श्री कृष्ण कैसे सोचते हैं ये मैं नहीं बता सकता. वो मल्टी डायमेंशनल है. वो बहुत बहुत एक होता ना कि वो समझ हमारे बस की नहीं है. बट जितना हो सके मैं जो कैरेक्टर प्ले करने वाला हूँ श्री कृष्ण का, वो तो मैं होऊंगा ना ऑन स्क्रीन. तो मैं कहाँ तक सोचूंगा, मेरी थॉट प्रोसेस क्या हो सकती है, ये सब डिस्कवर करने की ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही. सो आई वाज यस वेरी हैप्पी अबाउट एंड आई वाज हैप्पी दैट आई एम गेटिंग सच एन कैरेक्टर. एंड यस, इट वाज माय ड्यूटी टू गिव ईच एंड एवरीथिंग टू दिस. I remember आपको 2.5 साल if I'm not wrong wait करना पड़ा था इस प्रोजेक्ट को to go on cruise, right? Am I right? What I can recollect from that interview. 2016 के जून या जुलाई में मैं कास्ट हुआ था कृष्ण के लिए. सितंबर के आसपास शो कैंसिल हो गया था. फिर उसके बाद 2018 में मेरे ख्याल से अक्टूबर में हम मिले थे जब ये हुआ था. So definitely जून 2018-19 नहीं 16 से लेके 16 17 18 तो ऑलमोस्ट 2.5 years. सो हाउ वाज द वेट पीरियड? कभी लगा कि यू नो एक ऐसे कहते हैं कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, वो इस केस में एकदम एप्ट बैठा है कहीं ना कहीं, बिकॉज ये 2.5 years का जो वेट पीरियड था वो बहुत रंग लाया. डेफिनेटली मुझे लगता है कि मेरी लाइफ ने मुझे थोड़ा और ये किया कि आप रेडी नहीं हो, आप रेडी हो जाओ और फिर आ जाओ इस कैरेक्टर के लिए. वो मुझे थोड़ा, उसके बाद मैंने मूवीज़ किए, मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मिला जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला. वो एक्टिंग में मेरे लिए बहुत वर्क कर गया एंड बहुत सारी चीज़ें सीखा. और फिर उस नॉलेज के साथ, उस इम्प्रूवमेंट के साथ मुझे थोड़ा पहले से बेटर कॉन्फिडेंस था. डेफिनेटली 2016 में जो था उससे बेहतर कॉन्फिडेंस मुझे. अगर मैं 2016 में ये कैरेक्टर करता तो शायद मैं इतना नहीं कर पाता. तो तब मैंने किया, मैंने वर्क किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी. वेटिंग पीरियड जो था
इसमें मैंने बस कोशिश की मैं जहाँ तक हो सके सीख सकूँ नई चीजें एंड मेक माय सेल्फ अ बेटर एक्टर एज मच एज आई कैन, तो उस चीज पे मैंने ध्यान दिया एंड पीपल लव्ड इट, आई एम हैप्पी अबाउट इट. यू नो इतने सारे एक्टर्स अब तक ये किरदार लॉर्ड कृष्ण का किरदार निभा चुके हैं ऑन स्क्रीन एंड काफी लोगों को यू नो ऑडियंस ने बहुत प्यार भी दिया और अप्रिशिएट भी किया. कभी कोई अप्रिहेंशन था कि यू नो मैं किस तरह से ये कर पाऊंगा एंड विल आई बी यू नो जस्टिफाइंग द कैरेक्टर या मैं क्या उतनी छाप छोड़ पाऊंगा जो इन लोगों ने इतना किया हुआ है, चाहे वो स्वप्निल जोशी हो, चाहे वो महाभारत के कृष्ण हो, नितेश भरद्वाज. नहीं, मेरा इंटेंशन वो था ही नहीं. मैं खुद को नहीं कंपेयर करूंगा. अगर मुझे नहीं लगता सही है, अगर कोई आपसे बेहतर भी है तब आप उनसे सीख के ये कर सकते हो, उनसे मोटिवेशन लेके कर सकते हो. कंपेयर कभी मत करना क्योंकि आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं होता है. जब भी आप कुछ प्ले कर रहे हो वो तो लोग कंपेयर करके कंपटीशन बना देते हैं. आपका आपके लिए तो कंपटीशन नहीं होनी चाहिए. आपके लिए कंपटीशन ये होनी चाहिए कि व्हाट यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ योर कैरेक्टर, हाउ यू पोर्ट्रे इट, व्हाट यू पोर्ट्रेड यस्टरडे एंड आज उससे बेहतर आप क्या कर रहे हो. क्योंकि आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन खुद ही हो ना. अगर सामने वाला अगर एक टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाया तो डज दैट मीन दैट यू बिकेम अ बेटर एक्टर देन बिफोर? नो. सो व्हाट यू आर, यू हैव टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ दैट. सो आई थिंक सो दैट्स व्हाट आई फोकस्ड ऑन. डेफिनेटली इन सबसे मैंने इंस्पिरेशन भी सीखा मैंने जहां तक जितना हो सके. फिर उसमें मैंने अपना डाला कि मैं कैसे पोर्ट्रे करूंगा और फिर मैंने ये किया कंपेयर. अगर मैं किसी से अच्छा भी करता हूँ तब भी कंपेयर नहीं करूंगा, मैं किसी से बुरा भी करता हूँ तब भी मैं कंपेयर नहीं करूंगा. वो तो लोग करेंगे, अगर उनको उसमें अच्छा ही मजा आता है तो करें, बेशक करें, बट मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए. And how has your life changed, you know, after playing this character? Because there's a immense fan following that is for you, whether it is online या फिर ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ youngsters में लोग पहचानते हैं. In fact, जितने भी north side में लोग हैं वो इस शो को बहुत पसंद करते हैं एंड यू नो हर एज ग्रुप में लोग ये शो देखते हैं और आपको प्यार देते हैं. सो हाउ हैज योर लाइफ चेंज पोस्ट डूइंग एंड टेकिंग अप दिस कैरेक्टर? अच्छा, काफी इम्प्रूवमेंट हुई है. बहुत अच्छा लगता है, इतने सारे लोग आपको इतना प्यार देते हैं. आपको पता नहीं होता कौन है कहाँ से है, लेकिन उसके मन में आपके लिए जो होता है वो देख के, उसके आंखों में आपके लिए आंसू देख के, खुशी के आंसू देख के, यू फील रियली गुड अबाउट इट. एंड यस, होता है ना कि आई चोज दिस जर्नी ऑफ गेटिंग इनटू एक्टिंग एंड प्रोसीडिंग. पीपल गिव मी अपॉर्चुनिटीज एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव माई बेस्ट एवरी टाइम एंड पीपल आर लाइकिंग इट एंड पीपल आर सपोर्टिंग इट. तो इससे बड़ी बात क्या है कि आपने एक जर्नी चूज की, यू आर वर्किंग ऑन इट. आपके फैमिली में कोई भी कोई चला नहीं, आपको पेरेंट्स ने सपोर्ट किया और वैसा ही सपोर्ट आपके फैंस भी आपको दे रहे हैं. हाउ ब्यूटिफुल इज दैट, यू नो, इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी कि इतने सारे लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ के लिए. तो यस, मैं फिर वही, कोई इतना अगर मुझ में फेट डालता है तो मैं कभी नहीं तोड़ सकता. मतलब मुझे खुद पे शर्म आएगी अगर मैंने मुझे किसी ने बहुत प्यार से कोई चीज़ दी या मेरे कुछ किया, मुझ में सपोर्ट दिखाया और मैं उनको लेट डाउन कभी नहीं करना चाहता. As a person, I think that's my responsibility and I give my best. मुझे अच्छा लगता है हमेशा देखे कि उनको अच्छा लग रहा है मेरा काम. तो मैं हमेशा चेक भी करते रहता हूँ कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है कि नहीं. And how has your life changed, you know, after playing this character? Because there's a immense fan following that is for you, whether it is online या फिर ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ youngsters में लोग पहचानते हैं. In fact, जितने भी north side में लोग हैं वो इस शो को बहुत पसंद करते हैं एंड यू नो हर एज ग्रुप में लोग ये शो देखते हैं और आपको प्यार देते हैं. सो हाउ हैज योर लाइफ चेंज पोस्ट डूइंग एंड टेकिंग अप दिस कैरेक्टर? अच्छा, काफी इम्प्रूवमेंट हुई है. बहुत अच्छा लगता है, इतने सारे लोग आपको इतना प्यार देते हैं. आपको पता नहीं होता कौन है कहाँ से है, लेकिन उसके मन में आपके लिए जो होता है वो देख के, उसके आंखों में आपके लिए आंसू देख के, खुशी के आंसू देख के, यू फील रियली गुड अबाउट इट. एंड यस, होता है ना कि आई चोज दिस जर्नी ऑफ गेटिंग इनटू एक्टिंग एंड प्रोसीडिंग. पीपल गिव मी अपॉर्चुनिटीज एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव माई बेस्ट एवरी टाइम एंड पीपल आर लाइकिंग इट एंड पीपल आर सपोर्टिंग इट. तो इससे बड़ी बात क्या है कि आपने एक जर्नी चूज की, यू आर वर्किंग ऑन इट. आपके फैमिली में कोई भी कोई चला नहीं, आपको पेरेंट्स ने सपोर्ट किया और वैसा ही सपोर्ट आपके फैंस भी आपको दे रहे हैं. How beautiful is that? You know, it is a very great thing for me.
कि इतने सारे लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं हर एक चीज के लिए. तो यस, मैं फिर वही, कोई इतना अगर मुझमें फेट डालता है तो मैं कभी नहीं तोड़ सकता. मतलब मुझे खुद खुद पे शर्म आएगी अगर मैंने मुझे किसी ने बहुत प्यार से कोई चीज दी या मेरे लिए कुछ किया, मुझमें सपोर्ट दिखाया और मैं उनको लेट डाउन कभी नहीं करना चाहता. एज अ पर्सन आई थिंक दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी एंड आई गिव माय बेस्ट. मुझे अच्छा लगता है हमेशा देखे कि उनको अच्छा लग रहा है मेरा काम. तो मैं हमेशा चेक भी करते रहता हूँ कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है. So before winding up, what do you want to say to your fans who have been, you know, loving you, appreciating you in this role? I always say this, yes, you guys are precious. Thank you so much for all that you've done for us till now. And I love you so much. I feel strong because of you guys. I feel very motivated because of you guys. So that's about it. You guys are very important. And just keep loving us and supporting us. That's all I want in life. Thank you. Thank you so much for this. Thank you so much, Sumit. It was great talking to you. All the best for your future. And hope you continue to entertain us like this. Sure. Thank you so much. Thank you so much. Take care of yourself. Bye.